जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि डी सबसेल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए एल का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 होता है, और जब जब एल का मान 2 होता है तो एम का मान -2, -1, 0, +1, +2 होता है, और डी ऑर्बिटल के लिए कोणीय संवेग का मान स्क्वायर रूट एल एल प्लस वन एच बाई 2π। फॉर्मूले की सहायता से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एल का वैल्यू 2, 2 प्लस 1 एच बाई 2π, पूरा सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट 6 एच बाई 2π। तो ये है कोणीय संवेग। अब बात करते हैं डी उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स के विशेष नाम है जिसको आप समझ सकते हैं। इस ऑर्बिटल का नाम है dxy, इसका dyz, dzx, dx² -y² और dz² और सभी के चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी आप देख सकते हैं। ये सभी डी सबसेल के, डी उपकक्ष के ऑर्बिटल्स हैं। अब हम बात करते हैं इनके आकार के बारे में। तो डी उपकक्ष के सभी ऑर्बिटल के आकार डंबेल के समान होते हैं डीजेड स्क्वायर को छोड़कर। तो डीजेड स्क्वायर को छोड़कर सबका आकार डबल डंबेल होता है, डबल डंबेल के समान इनका आकार होता है। इसके आकार को आप देख सकते हैं यहां से, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। सबसे पहले आप सभी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स का शेप देखेंगे। इसका आकार कैसा होता है? ऐसे तो याद करने का इसका कोई शेप याद करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी स्टूडेंट इस तीनों में कुछ कुछ समानता देख सकते हैं। जैसे इस तीनों में आप समानता देख सकते हैं कि एक डंबेल तीनों में एक जगह यहां पर प्रेजेंट होता है। इस तरह से देखने से थोड़ा थोड़ा शेप आपके माइंड में कुछ दिनों तक बना रहता है, याद रहता है। अब डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक डंबेल होगा, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। डी वाई जेड है तो एक डंबेल जो होगा वाई और जेड के बीच में। ऐसे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन आप लोग को हम बता रहे हैं ताकि आप लोग इसको याद रख सके। और डी जेड एक्स में एक लोब जो होता है, लोब इतना को कहते हैं, ये एक लोब हुआ और ये दूसरा लोब, इसको डी जेड एक्स। इस तीनों में समानता ये है कि लोब जो है, ये जो लोब है दो अक्ष के बीच में है, दो एक्सिस के बीच में है इस तीनों में। और ये दोनों में लोब जो होता है वो अक्ष पर होता है। जैसे देखिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फिगर बना रहे हैं, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डीजेड स्क्वायर ये रहा डीजेड स्क्वायर। डीजेड स्क्वायर
देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, इसमें जो लोब है दो अक्ष पर, मतलब अक्ष पर ही है इस दोनों में, और इस तीनों में दो अक्ष के बीच में लोब है। देख सकते हैं कि डिजिट स्क्वायर को छोड़कर सब में दो डंबल है और इसमें सिंगल डंबल है। देख सकते हैं आप डिजिट स्क्वायर में केवल दो लोब है, बाकी सब में चार लोब है, ये काउंट हो रहा है चार लोब। और डीएक्सवाई डीवाईजेड डिजिट एक्स में लोब जो है दो एक्सिस के बीच में, दो अक्ष के बीच में है जहां भी है, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डिजिट स्क्वायर में लोब जो है वो अक्ष पर है। ठीक है, तो ये है आपका शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं हम आपके सामने शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। आपको बता दें कि एफ ऑर्बिटल के लिए एल का मान क्या होता है, थ्री होता है, और जब जब एल का मान थ्री होता है तो एम का क्या मान होता है। इसके लिए कोणीय संवेग का मान स्क्वायर रूट एल एल प्लस वन फॉर्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं, एच बाई टू पाई स्क्वायर रूट थ्री थ्री प्लस वन एच बाई टू पाई, पूरा सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट ट्वेल्व एच बाई टू पाई। तो ये आपका कोणीय संवेग हुआ एफ सबसेल के लिए। अब आपको बता दें कि एफ सबसेल में सेवन ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ सबसेल का जो आकार होता है, एफ सबसेल का जो आकार होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है एफ सबसेल के ऑर्बिटल का। कॉम्प्लेक्स माने जटिल, केवल देखा जा सकता है, किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि कैसा होता है। पहले ऑर्बिटल का नाम होता है एफ एक्स क्यू, दूसरे का नाम एफ वाई क्यू, तीसरे का नाम एफ जेड क्यू, तीसरे का एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एफ एक्स वाई जेड, ये सातों ऑर्बिटल का अपना नाम है। और इन सातों ऑर्बिटल का आकार जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, केवल देखा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है किसके जैसा। तो ये था शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल।